अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट स्काई ब्लॉक। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल सा स्काई ब्लॉक का मैप है। स्काई ब्लॉक के मैप में आपको वहाँ पे पिलजर पर टॉवर भी शो हो रहा होगा, लेकिन गाइस ये स्काई ब्लॉक जो है नॉर्मल स्काई ब्लॉक नहीं है। आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या है खास, ये तो नॉर्मल स्काई ब्लॉक की तरह ही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम ये स्काई ब्लॉक नेदर में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप कहेंगे ये क्या बकवास है भाई, आप नेदर में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर तो कोई पोर्टल भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हम स्टार्ट के ब्लॉक को तोड़ेंगे, हम ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे नेदर में। अब गाइस, ये स्काई ब्लॉक बनाया है डॉक्टर ट्रॉब ने। ये स्काई ब्लॉक उन्होंने नेदर अपडेट की सेलिब्रेशन में बनाया है, और इन्होंने हमें हिंट दिया है कि अगर आपने बाहर निकलना है तो नॉर्थ की तरफ जाएं। अब हमारा नॉर्थ यह है, और आपको शायद वहाँ पे नेदर पोर्टल शो हो रहा होगा। अब हम इसको रख देते हैं, अपनी डर्ट को भी संभाल देते हैं, और गैस हमें पहले वुड कैरी करनी होगी। ओह शिट, एक फुट नीचे गिर गई। आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लैंक्स क्राफ्टिंग टेबल बनाना है, और प्लैंक्स थोड़ी स्टिक्स, एक एक्स, एक पिकैक्स। ओके गाइस, तो हमें यहाँ से बाहर किस तरह निकलना है, क्योंकि हमें यहाँ पे आइस दी गई है, और नेदर में हम आइस को वाटर नहीं बना सकते, क्योंकि वाटर जल जाता है, बाम बन जाता है नेदर में। तो अब आप ये सोचे होंगे कि हम यहाँ से बाहर किस तरह निकलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक न्यू ब्लॉक है जो नेदर अपडेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बसॉल्ट। हम उसी की मदद से यहाँ पर एक बसॉल्ट जनरेटर बनाएंगे और इस नेदर से एस्केप करेंगे। तो गाइस, सॉल्ट जनरेटर बनाना बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइस, सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना देते हैं, लावा प्लेस करता हूँ। इट हैज जनरेटेड बसॉल्ट प्लेस। बसॉल्ट को हम इस पिकैक्स से भी माइन कर सकते हैं। लेकिन गाइस, ये जो आपको नजर आ रहा है ये बसॉल्ट नहीं है, इसे हम कहते हैं ब्लैक स्टोन। ये जो आपको दिख रहा है ये बोन मील ब्लॉक्स हैं। अब ये सीक्रेट ब्लॉक्स हैं, ये हिडन रखे गए थे। और ये हमारा एक ब्लॉक गिर गया, ये आपकी ब्लॉक मिल गया। अब हम थोड़ा ब्लैक स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो इस एरिया को सिक्योर कर देते हैं। जो ब्लैक स्टोन है वो नेदर में कोबल स्टोन की तरह वर्क करता है, तो अगर हम थोड़ी वुड कलेक्ट करते हैं पहले, तो अगर हम ब्लैक स्टोन से यहाँ पे टूल्स बनाना चाहें कोबल स्टोन वाले, तो वो भी हम बना सकते हैं। स्टोन टूल्स, चेक दिस आउट गाइस, ये हमारे स्टोन टूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बहुत सारा अभी बसॉल्ट माइन करना है, क्योंकि गाइस वहाँ तक जाने में हमें ऑलमोस्ट 3 stacks लग जाएंगे, और वहाँ से आगे हमें अपने वर्ल्ड तक जाने के लिए, अपने मेन स्काई ब्लॉक आइलैंड तक जाने के लिए भी 3 stacks लग जाएंगे। तो हमें बहुत सी माइनिंग करनी है गाइस। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं इस लावा को सिक्योर कर देता हूँ ताकि मैं इसके अंदर गिर ना जाऊँ।
हमें लॉट ऑफ माइनिंग करनी है गाइस, और अगर इनके हमारे पास वुड की कमी होती है तो हमें ये एक और फंगाई दिया गया है जिससे हम इस ट्री को रीग्रो कर सकते हैं, और हमारे पास बोन ब्लॉक्स हैं जिससे हमें बोन मील मिलेगा। गाइज हमारी पिकैक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, इसलिए हम थोड़ा सा और ब्लैक स्टोन यहाँ से ले लेंगे और एक और पिकैक्स बना लेंगे। हमारे पास हमारी लकड़ी वाली पिकैक्स भी है, इसे भी हम यूज़ करेंगे लेकिन अभी नहीं, बिल्कुल एंड में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 2 स्टैक्स हो गए हैं और ये हमारी पिकैक्स ब्रेक होगी। इसमें हमें टोटल 5 मोर देन 5 स्टैक्स करने हैं। तो हमारे 2 स्टैक्स पूरे होने वाले हैं गाइस। एंड गाइस आपको ये देख के बहुत बोरियत हो रही होगी, लेकिन वेट हम अपने नॉर्मल स्काई ब्लॉक में भी जाएंगे, हमें यहाँ पर बहुत सवाल करना है। लेकिन गाइस बसॉल्ट के बारे में मैं आपको फास्ट बात बताता चलूँ, बसॉल्ट एक ऐसा ब्लॉक है जिसके हम स्लैब्स नहीं बना सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस इन्वेंटरी में पॉलिश बसॉल्ट आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, हम इसके स्लैब्स नहीं बना सकते। जिसका मतलब अगर हमने इसको यूज़ करके हम अपने घर को रीच करने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में पिगमेंट्स सब स्पॉन होंगे और मोस्ट चांसेस हैं कि इसमें घास भी स्पॉन हो जाए, तो ये बहुत डेंजरस है। हमें घर जाते हुए बहुत एहतियात करनी होगी और घास से तो बिल्कुल बच के रहना होगा, क्योंकि घास का एक फायर हमारी बैंड बजा देगा। तो हमें लॉट्स ऑफ माइनिंग करनी है और हमें श्योर रहना है कि हम इतने बसॉल्ट माइन कर लें कि हमें वो इनफ हों घर तक पहुँचने के लिए, और हमें एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने के लिए भी इनफ हों। गाइज अगर आपको इसका डाउनलोड करने का तरीका चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर कभी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज एक और बात, इस मैप में हमारे पास वुडलैंड मेंशन भी है, इस मैप में हमारे पास ओशन मॉन्यूमेंट भी है, तो उन्हें एक्सप्लोर करने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस इसमें विलेजेस वाला सीन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है वो हमें मॉब फॉर्मर के थ्रू या फिर मॉब एक्सपी फॉर्म के थ्रू किसी तरह मिले। गाइस हमारे ब्लॉक ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 5.5 स्टैक है, तो अब हम तैयारी करते हैं घर वापस जाने की। हम अपना सारा सामान ले लेते हैं, देन हम घर की तरफ मूव करेंगे। ये रॉटन फ्लैश भी ले लेते हैं जिससे हमें हमें घूमना लग जाए, ये वॉक्ड ब्लॉक भी, और आई थिंक मैं इस फंगाई को भी लेके जाने वाला हूँ। क्या हमें वो ब्लॉक मिला? नेदर रैक हमें मिल गया गाइस, यस। अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं, चेस्ट खाली है, हम उसे ले चलते हैं। शिट गाइस चेस्ट हमारी नीचे थी अभी, लेकिन क्राफ्टिंग टेबल हमें मिल गया है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट, हमने इस आइलैंड पे जाना है, फ्रॉम हियर। एंड गाइस इसके बीच में बहुत सारे पिगमेंट्स एंड घास स्पॉन होने वाले हैं। जैसे जैसे आप देखते हैं मैं इस आइलैंड से दूर जाता हूँ, नेदर वाला इफेक्ट आने लगता है, रेड वाला। गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे पिगमेंट स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर इस दौरान यहाँ पे घास स्पॉन हो गया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा, जो कि होना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारा रीसेट करना पड़ेगा, स्टार्ट से स्टार्ट लेना पड़ेगा।
Our egg stack almost finished. I'm going to go to the next one. अभी तो कोई मॉब स्पॉन नहीं हुआ। आई होप कि लास्ट भी स्पॉन ना हो। एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर गाइस। आई थिंक ये मॉब स्टैक पूरे में हो जाएगा। इस स्टैक को फिनिश करने के बाद हम मॉब स्टैक को यूज करेंगे। आई थिंक इसमें हमारा काम हो जाएगा। अभी तक तो कोई लास्ट स्पॉन नहीं हुआ। लेकिन मुझे खतरा है। ऑफलाइन पहुंच चुका इसलिए अभी मैं यहां तक रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं वापस अपने आइलैंड पे एंड वो हमारा नेदर जनरेट हुआ है और क्योंकि यहां पर नाइट टाइम है तो बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं। इस वाली वीडियो के लिए इतना था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।